Hello and welcome everyone, myself Sukanta and you are watching your YouTube channel History Online. वीडियो की थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि कौन सी टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे. यस, आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन. क्या है इंपॉर्टेंस इंटरनल एग्जामिनेशंस की, और उससे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटरनल एग्जामिनेशन है क्या. तो स्कूल लेवल में जो भी एग्जाम्स होते हैं, क्लास 9 to 12, जो भी स्कूल लेवल में एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि क्लास टेस्ट हो गया, ओके, और उसके साथ यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, सेंटर, प्री बोर्ड्स, जितने सारे एग्जाम्स स्कूल लेवल में होता है, इसको बोला जाता है इंटरनल एग्जामिनेशन. तो पहले भी इंटरनल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक स्टूडेंट को इंटरनल एग्जामिनेशन एक मतलब एक दो महीने बाद होता रहता है स्कूल में, वो अपने हिसाब से लेते रहते हैं. तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पता चलता है कि एक स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट किस लेवल में हो रहा है, ठीक है, क्या कमियां हैं उस स्टूडेंट्स में, और उसको फिर रिमेडियल क्लासेस भी दिया जाता है. तो मेनली ऐसे इंटरनल एग्जामिनेशन पहले भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. अभी क्या चेंजेस आए हैं जहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो सी द फुल वीडियो. अभी आते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कोरोना सिचुएशन है, फिर COVID-19, सारे जो वर्ल्ड इसमें इस सफर कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो क्लास 10 और 12 में, अभी जो क्लास 10 और 12 में है, कोई भी बोर्ड का हो सकता है, CBSE, ICSE, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स है, तो एक भी फिजिकल क्लास नहीं मिले, कोई भी स्कूल फिजिकल क्लास प्रोवाइड नहीं कर पा रहे. क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्च महीना से क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन है. स्कूल अगर बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है कि स्कूल खुलेगा September 21 और फिर अक्टूबर से खुल सकता है, दिसंबर के बाद खुलेगा, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि उस तरह से स्कूल खुल पाएगा, लाइक इस ईयर स्कूल पॉसिबल है, फिजिकल क्लासेस पॉसिबल है. तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो भी सारे स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लास बहुत सारे फॉर्म्स है यहाँ पे, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जा रहा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक गूगल फॉर्म्स एंड ऑल. सो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम भी लिया जा रहा है, और अभी जो है ऐसे ही इंटरनल एग्जामिनेशन हो रहा है. अभी क्या चेंजेस है जो इंटरनल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, क्या वो वजह है. जैसे कि कोई अगर देखा जाए, लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुआ, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 और क्लास 10 में ICSE के बात कर रहा हूँ, तो 2 पेपर नहीं हो पाया था, ठीक है, जियोग्राफी और 1 पेपर था, तो मेनली वो एग्जाम नहीं हो पा रहा है. लेकिन तब बोर्ड ने किया, काउंसिल ने किया, जो इंटरनल मार्क्स है वो मांगा था स्कूल से, और जो भी स्टूडेंट्स और क्लास 10 में थे तो वो एग्जाम नहीं दे पाया था, तो कैसे उसको मार्क्स मिला, जो भी इंटरनल असेसमेंट हुआ, ठीक है, उसका मार्क्स जो है काउंसिल को मतलब भेजा गया सारे स्कूलों से. तो इसका मतलब उस टाइम इंटरनल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था. तो इस बार जो हो रहा है, किसी को पता नहीं कि जो बोर्ड एग्जाम होगा वो क्या ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा. अगर सिचुएशन ऐसे कंटिन्यू करते हैं तो शायद ऑफलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे ऑनलाइन जो एग्जाम है उसका एक पॉसिबिलिटी है. जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स भी है जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म वगैरह सब कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन. तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम भी ऑनलाइन होने का पॉसिबिलिटी है, ऐसे नहीं कि नहीं होगा और जीरो एकेडमिक ईयर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एग्जाम तो होगा, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन पॉसिबिलिटी है ऑनलाइन होने का. अभी अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरनल मार्क्स मिला है स्टूडेंट्स को, या फिर जो इंटरनल एग्जामिनेशन है उसमें क्या परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का, वो काउंसिल जो है वो मांग सकते हैं, या फिर काउंसिल वो जो भी मार्क्स है उसको ले सकते हैं जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उससे पहले. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, या फिर इंटरनल एग्जामिनेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या हम स्टडी कर रहे हैं, या फिर कैसे हम लीक पाएंगे, या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट है स्टूडेंट्स का वो भी पता चल सकता है इंटरनल एग्जामिनेशन से. तो पहले भी इंटरनल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और अभी जब कोरोना सिचुएशन है, लॉकडाउन है उसमें, और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बन गया है. ये हो भी सकता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले जो इंटरनल मार्क्स है वो भी मांगा जाए काउंसिल की तरफ से. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, वो है जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्लास में, और टेस्ट वगैरह जो भी स्कूल से लिया जा रहा है उसमें एब्सेंट हो रहा है, उन लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अटेंड योर क्लासेस, क्योंकि फिजिकल क्लास पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन क्लास ही होगा इस साल, ठीक है, उसमें
पार्ट लेना है और अटेंड करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद बोर्ड एग्जाम तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर देखा जाए इंटरनल एग्जामिनेशंस दो कॉजेस के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि जो अपना इंप्रूवमेंट है वो जान पाओगे, और उसके साथ साथ जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंटरनल एग्जाम्स की जो मार्क्स है वो बोर्ड एग्जाम्स की मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, और अगर एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होता है तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न में भी चेंजेस आ सकता है, और सिलेबस तो रिड्यूस हो चुका है और भी रिडक्शन हो सकता है। और चैप्टर वाइज हिस्ट्री और सिविक्स अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो बहुत सारे वीडियोस है क्लास 9 और क्लास 10 के लिए मेरे चैनल में, वो स्टूडेंट जो है वो देख सकते हो। और अगर कोई कंफ्यूजन है उस चैप्टर में तो मेरे ही चैनल में उस वीडियो में जाके कमेंट करना है, पर्टिकुलर वीडियो में जहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश, और जो भी कंफ्यूजन है डाउट्स उसको क्लियर करने की कोशिश हम करते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों में, और शेयर करना उन दोस्तों में जो कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो भी अटेंड करना शुरू करें, इंपॉर्टेंस उसको पता चले कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या है, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स जो है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड करें। और इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोज एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।